अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न एज। द 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20th सेंचुरी मेन पीरियड्स आर मॉडर्निस्ट लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर फॉलोइंग फ्रॉम रफली 1900 टू 1940 एंड 1960 टू ऑनवर्ड 1990। जो 20th सेंचुरी लिटरेचर है इसको हम दो पीरियड में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक उसको कहते हैं मॉडर्न लिटरेचर और जो बाद का पीरियड है उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न। जो मॉडर्न लिटरेचर है वो 1900 से लेकर 1940 तक है और उसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो 1960 से लेकर ऑनवर्ड। मॉडर्निस्ट राइटर्स यूज द मेथड ऑफ पर्सनल एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ थॉट टू शो द रीडर द अर्जेंट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूनिवर्सल मीनिंग एंड वैल्यूज। यानी इसमें जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है इसमें ज्यादातर जो राइटर्स ने यूज किया है वो क्या किया है, उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की है, पर्सनल एनालिसिस किया है, इनर फीलिंग्स, इनर थॉट्स, इनर थिंकिंग के ऊपर बात की है। द वर्क शो दी मॉरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल अलाइनेशन अमंग डिफरेंट क्लासेज एंड क्राइसिस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इन इसमें प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस है, इसमें इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस है, इसमें अलाइनेशन के ऊपर फोकस है। तो ये लिटरेचर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्दर हम जो मॉडर्न लिटरेचर है इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। The young people during the first decade of 20th century regarded the Victorian age as hypocritical and Victorian ideals as mean, superficial and stupid. यानी जो मॉडर्न एज के यंग लोग थे वो इनसे पहले वाला जो पीरियड था, जो विक्टोरियन पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड को ये कहते हैं कि वो हाइपोक्रिटिकल थे। उनके जो आइडियल्स थे, उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे, उनके जो मेन लिटरेचर गन थी, उनको ये कहते थे कि वो मीन थे, सुपरफिशियल थे और स्टूपिड थे। नथिंग वॉज कंसिडर्ड एज सर्टन, एवरीथिंग वॉज क्वेश्चन्ड। इस टाइम पीरियड के अंदर किसी भी चीज को सुपीरियर नहीं समझा गया, किसी भी चीज को फाइनल नहीं समझा गया, बल्कि हर चीज को क्वेश्चन किया गया। 20th सेंचुरी माइंड्स डिड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम ग्रांटेड, दे आर क्वेश्चन्ड एवरीथिंग। इन्होंने किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं समझा कि वो जो है वो एग्जैक्ट है, एज इट है, उसमें चेंज नहीं हो सकती। इन्होंने हर चीज को क्वेश्चन किया, हर चीज के ऊपर सवाल उठाया। नथिंग इज फिक्स्ड एंड फाइनल इन दिस वर्ल्ड। जो मॉडर्न माइंड्स है वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो फिक्स्ड नहीं है, कोई भी चीज फाइनल नहीं है, बल्कि उसमें आगे फर्दर बेहतरी की गुंजाइश है, उसको मजीद चेंज किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। तो इस किस्म का जो माइंड है इसको उभारने में, इसको आगे फर्दर डेवलपमेंट में बर्नार्ड शॉ का बहुत नाम है। बर्नार्ड शॉ फॉरमोस्ट अमंग द रिबेल्स अटैक्ट नॉट ओनली द ओल्ड सुपरस्टिशंस ऑफ रिलीजन बट आल्सो द न्यू सुपरस्टिशन ऑफ साइंस। यानी उसने सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजन की ओल्ड सुपरस्टिशन थी सिर्फ उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसने जो न्यू सुपरस्टिशन ऑफ साइंस थी उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया। यानी उसने साइंस को भी नहीं छोड़ा और उसने रिलीजन को भी नहीं छोड़ा। The watchwords of his creed were question, examine, test। यानी इस एज के जो लोग थे वो हर चीज को क्वेश्चन करते थे, एग्जामिन करते थे और टेस्ट करते थे। किसी भी चीज को वो फाइनल या एग्जैक्ट नहीं समझते थे, कंप्लीट नहीं समझते, आइडियल नहीं समझते थे, बल्कि वो उसमें कहते थे कि चेंज की जरूरत है, बेहतरी की गुंजाइश है। He challenged the voice of authority and the rule of expert। अथॉरिटी को भी चैलेंज किया, एक्सपर्ट को भी चैलेंज किया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंटरोगेटिव हैबिट ऑफ माइंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। यानी बर्नार्ड शॉ जो है उसने इंटरोगेशन वाला जो माइंड था वो एक हैबिट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम जो पहलू थे उनके अंदर लोगों के दिमाग में चीज पैदा कर दी कि वो क्वेश्चन करें। देयर वॉज ऑल्सो फेलियर और डिसइंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में डिसइंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज भी है, वैल्यूज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। नथिंग कुड बी अटेन्ड विदाउट मनी। इसमें मनी के ऊपर बड़ा फोकस है, पैसों के ऊपर, दौलत के ऊपर बड़ा फोकस है। कहते हैं कि सारी चीज जो है वो दौलत से ही हासिल होगी। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी हैड बिकम द बेसिस ऑफ सोशल स्टैंडिंग।
तो जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया, लोगों ने सब कुछ इसी को ही कंसिडर किया। इन द 20th सेंचुरी द सेंटिमेंट्स फॉर द फैमिली सर्कल डिक्लाइन, इसमें जो फैमिली सर्कल है वो डिक्लाइन हुआ, जो एक फैमिली एक यूनिटी थी वो यूनिटी नहीं रही, उसके अंदर जो है वो दराड़ें पैदा हो गई, क्रैक्स आ गए। द 20th सेंचुरी हैज बिकम द एज ऑफ मशीन, मशीनरी हैज नो डाउट डोमिनेटेड एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी मॉडर्न लाइफ के ऊपर जो मशीन है इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी हर चीज में हर काम में मशीन का अमल दखल आ गया, जो काम इंसान कर रहे थे वो काम अब मशीनों से चलना स्टार्ट हो गए, मशीनों के मोहताज हो गए। द मॉडर्न मैन हैज नाउ टू लिव बाय द क्लॉक अप्लाइंग हिज एनर्जीज नॉट अकॉर्डिंग टू मूड्स एंड इम्पल्स बट अकॉर्डिंग टू टाइम स्कीम, यानी अब जो इंसान है मॉडर्न एज के जो इंसान थे उनका जो टाइम पीरियड है वो उनके अपने मूड, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी विल या विश के ऊपर नहीं गुजरता, बल्कि वो एक इंसान खुद भी एक मशीन की तरह चल रहा है, उसकी एक पूरी रूटीन है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है, उसका मूड, उसकी मर्जी, उसकी विश, उसकी विल हो या ना हो, लेकिन उसको एज इट इज उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटेल के साथ मॉडर्न पोइट्स की, तो जो मॉडर्न पोइट्स हैं उसमें टीएस एलियट, रॉबर्ट ब्रिजेस, ए हाउसमैन, जे एम हॉपकिन, डब्ल्यू बी येट्स, ये जो नाम है ये सिर्फ फ्रिस्ट आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टीएस एलियट लाइज इन द फैक्ट दैट गिफ्टेड विद अ माइंड ऑफ रेयर डिस्टिंक्शन ही हैज सॉल्वड हिज ओन प्रॉब्लम्स एज अ पोइट, मोर ओवर बीइंग अ पोइट एज वेल एज क्रिटिक His poetical theories are reinforced by his own poetry, and thus he has exerted a tremendous influence on modern poetry. In modern poets में की हम जब बात करते हैं तो इनमें टी एस एलियट का एक टॉप पे नाम आता है, तो टी एस एलियट जो है वो पोइट भी था, क्रिटिक भी था, तो उसने अपने प्रॉब्लम एज अ पोइट उनको खुद ही सॉल्व किया क्योंकि वो एज अ क्रिटिक भी काम कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू बी येट्स की अगर हम बात करें, द फाउंडर ऑफ सेल्टिक मूवमेंट इन पोएट्री एंड ड्रामा, डब्ल्यू बी येट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, यानी ये जो लेक्चर है इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ देखते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनदर मूवमेंट ऑफ दिस एज वाज इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म इन मॉडर्न पोएट्री, यानी मॉडर्न पोएट्री में इमेजिज्म और सिम्बोलिज्म भी इसी एज में है। सिम्बोलिज्म फर्स्ट स्टार्टेड इन फ्रांस, ये क्वेश्चन अक्सर पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट टी एस एलियट की अगर हम बात करें तो इसमें है ही इज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज ग्रेट क्रिटिक, ही वाज बोर्न इन 1888 इन यूएसए, ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ही रिसीव्ड एजुकेशन एट पेरिस एंड ऑक्सफोर्ड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। हिज अर्ली पीरियड पोएम्स वर The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland, Hollow Man, और इसके लेटर जो वर्क्स हैं उनमें Barnes Norton, East Cooker, The Dry Salvages, Little Gidding. Eliot has many-sided personality. He is a classicist, innovator, critic, poet, social philosopher and mystic. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्न है वो है रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस दो आर 20th सेंचुरी पोएट मे बी कंसिडर्ड एज लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन एज ही कैरीड ऑन द विक्टोरियन ट्रेडिशन। इसको रॉबर्ट ब्रिजेस को लास्ट विक्टोरियन भी कहते हैं क्योंकि इसने जो विक्टोरियन ट्रेडिशन थी उनको कैरी ऑन रखा। इसकी जो ग्रेटेस्ट वर्क है उनमें द टेम्पेस्ट ऑफ ब्यूटी, उसके बाद ए पासर बाय लंडन स्नो, द डॉन्स, द ग्रोथ ऑफ लव, दी विल्जर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉपुलर पर्सन है वो है जेरेंड मैंडले हॉपकिंस, तो इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है स्प्रिंग रिदम। ही वॉज नॉट द फर्स्ट टू इन्वेंट इट, देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट इन द पोएट्री ऑफ ऑल ग्रेट पोएट्स स्पेशली मिल्टन। यानी स्प्रिंग रिदम जो है वो हॉपकिंस ने इन्वेंट नहीं किया, ये इससे ऑलरेडी पहले इससे पहले ही मौजूद था, यानी जो मेजर राइटर्स हैं उनकी पोएट्री में स्प्रिंग रिदम की टर्म यूज हो रही थी, इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसने इसको आके फर्दर डेवलप किया है। बट हॉपकिंस रिवाइव्ड इट एंड लेड स्पेशल इम्फेसिस ऑन इट एंड एक्सर्टेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस बिकॉज द 20th सेंचुरी नीडेड इट, यानी इसने इसको आके चेंज किया, रिवाइव किया है। It is merely on account of his poetry, account of his theory,
Sprung Rhythm and Inkscape that he has exerted such a tremendous influence on modern poets. जिसकी Sprung Rhythm and Inkscape ये इसकी पॉपुलर थीरीज हैं जिसकी वजह से इसको फेम मिली. Hopkins was endowed with a highly sensuous temperament, but being a deeply religious man, he refined his faculty and offered it to God. यदि ये सेंशुअस पोएट भी था, सेंशुअस पर्सनैलिटी थी इसकी, लेकिन साथ ही साथ एक रिलीजियस पर्सन था. इस वजह से इसने जो सारी चीजें हैं उसको गॉड की तरफ, यानी इसने ये कहा कि सारी चीजें जो हैं उनका डायरेक्ट लिंक जो है वो गॉड के साथ है. दी पिक्यूलियरिटी आर दी इमिनेंट क्वालिटी इन ईच थिंग विच इज दी मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी वॉज कॉल्ड बाई होपकिंस एज इनस्केप. ये इसकी इनस्केप की थ्योरी है. The landscape of the flower called bluebell. Thus, to him, not only trees, grass, flower, but each human spirit had its personal landscape, a mystic, creative force which shapes the mind. इसके अगर हम great इसके जो popular works हैं उनकी बात करें तो The Wreck of Dutch Land. उसके बाद next हमारे पास है A.E. Houseman. His full name was Alfred Edward Houseman. He was a great classical scholar. His most celebrated poem is Shropshire Lad. Next, हमारे पास है Georgian poets. Georgian poets कौन से थे? These poets flourished in the reign of George V, 1911 to 1936. They were not conscious of belonging to a particular group. यानी उनको ये आइडिया नहीं था. उन्होंने खुद को जो पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अटैचमेंट है उनको खुद को आइडिया नहीं था. इन रियलिटी दे वर इमिटेटर्स ऑफ द पैट्स हु शट देयर आईज अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स. कहते हैं वो ऐसे ही थे जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए कब दूसरे की पिजन को जब कैट पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपटती है तो वो आंखें बंद कर लेता है. उसको ये फील होता है कि अब उसकी आंखें बंद करने से उसको बिल्ली नजर नहीं आ रही तो बिल्ली को वो भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बिल्ली उसको फौरन पकड़ लेती है. तो इस तरह ये वाले जो थे इन्होंने भी जो उसके कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर बात नहीं की, उनको नहीं छेड़ा. इनको लगता था कि खुद ही वो सॉल्व आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट ग्रेव्स हु फर्स्ट क्लेम्स टू बिलोंग टू द ग्रुप द जॉर्जियन. Their subjects were to be nature, love, layer, old age, childhood, animal, sleep, unemotional subject. यानी इनके जो सारे subjects थे वो unemotional थे. The important poets who contributed to these volumes were Rupert Brooke, W.H. Davies, Walter D. La Mare, John Masefield, D.H. Lawrence. John Masefield की अगर हम बात करें, he was a sailor and his poetry deals with life at sea. His greatest work are Salt Water Ballad, Poetic Tragedy, The Everlasting Mercy, The Daffodil Fields. Next, हमारे पास movement is the Imagist. The first revolt against the Victorian Romantic Poetic Tradition came from a group of poets called the Imagist. Their activities extended for about 10 years from 1912 to 1922. ये Imagist movement का time period था 10 years, 1912 to 22. According to them, poems are works of art and not piece of emotional autobiography or rhetorical prophecy. यानी इनके नजदीक जो पोएट्री है, जो पोएम्स हैं, वो works of arts है, वो autobiography नहीं है, वो rhetoric नहीं है. There must be the effusion of thought and emotion. Its originator T.E. Hume, he with the help of Isdrapont, who had come from America, founded the movement called Imagism. यानी T.E. Hume और Isdrapont ने मिलकर Imagism को स्टार्ट किया. The leader of Imagist was Isdrapont. Other poets who were included in the group were F.H. Flint, Richard Eldington, James Joyce, David Herbert Law. इनमें अगर हम डेविड हर्बर्ट लॉ की बात करें, he contributed both to Georgian poetry and The Imagist anthologies. His most remarkable poem is Manifesto. Next, हमारे पास है trench poets. The First World War 1914 to 18 gave rise to war poetry.
And the poets who wrote about the war and its horrors, especially in the trenches, are called the war poets or the trench poets. यानी जिन लोगों ने ट्रेंचेस के अंदर पोएट्री की वार से रिलेटेड उसको उनको वार पोएट या ट्रेंच पोएट कहते हैं. आउट ऑफ नंबर ऑफ दीज वार पोएट्स ऑनली टू आर इम्पोर्टेंट. सिगफ्रीड सैसोन एंड विल्फ्रेड ओवन ये ज्यादा पॉपुलर पोएट्स हैं ट्रेंच पोएट्स में से. और इसकी सैसोन की जो ज्यादा पॉपुलर पोएम है उनमें सुसाइड इन ट्रेंचेस, सॉन्ग बुक्स ऑफ द वार. और ओवन की जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर पोएम है स्ट्रेंज मीटिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यू बी यीट्स को. ही वॉज एन आयरिश ड्रीमर अ विजनरी एंड अ सुपरस्टिशंस ऑफ द आयरिश पीजेंट्री. यीट्स वॉज एंटी रैशनलिस्ट. ही बिलीव्ड इन मैजिक. यीट्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स सिंबोलिज्म. ही लाइक्ड शेलीज पोएट्री बिकॉज ऑफ द सिंबोलिज्म. ही इज अ सिंबोलिस्ट पोएट. One very common symbol in his poetry is the moon, which stands for life's mystery. His important poems were The Wild Swan at Cowley, The Tower, The Winding Stair, The Thought from Propertius, Second Coming. Next, हमारे पास है modern dramatist. अगर हम modern drama की बात करें तो उसमें जो top of the list हमारे पास सामने नाम आता है वो है Bernard Shaw का. The greatest among the modern dramatists was George Bernard Shaw. He was born and brought up in Ireland. At first, he tried at novel. Then he began to take part in debates. सबसे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नावल से काम स्टार्ट किया, लेकिन नावल में वो पॉपुलर ना हो सका तो उसने डिबेट्स की तरफ आया. तो वो इंग्लैंड के अंदर एज अ डिबेटर पॉपुलर हो गया. उसके बाद आगे उसने ड्रामास लिखना स्टार्ट किए. He came under the influence of Samuel Butler. He is the creator of life force theory. Iski theory hai life force theory. His mostly plays are autobiographical. His plays are concerned with ideas. All the plays of Shaw deal with some problem concerning modern society. His popular plays are, yani iski kafi lambi ek list hai plays ki, lekin usme jo popular hain unme se chand ek humne likhe hain. Mrs. Barron's Profession, Man and Superman, Getting Married, The Doctor's Dilemma, John Bull's Other Island, The Apple Cart, St. John. Next हमारे पास है Oscar Wilde. Oscar Wilde के जो ज्यादा पॉपुलर पोएट हैं वो हैं Lady Windermere's Fan, A Woman of No Importance, An Ideal Husband, The Importance of Being Earnest. John Galsworthy. He was a great dramatist and novelist. His important plays are Strife, Justice, The Skin Game, The Silver Box. These plays deal with social and ethical problems. Next, हमारे पास है Barker. He dealt with domestic tragedy and problem play. He occupies his place in modern drama mainly as a writer of four realistic plays: The Marrying of Annie Leete, Waste, The Madras House. John Masefield के जो पॉपुलर वर्क्स हैं उनमें है मेलोनी, हॉट्सपर, एस्थर एंड बर्नेस, मिसेज हैरिसन. डब्ल्यू बी यीट्स डब्लिन में पैदा हुआ. उसके 30 प्लेज हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो है काउंटेस कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर. और इस टाइम पीरियड के अंदर मॉडर्न एज के अंदर पोएट्रिक ड्रामा के ऊपर काम हुआ. 20th सेंचुरी हैज बीन रिवाइवल ऑफ पोएट्रिक ड्रामा. यीट्स एंड एलियट हैव रिटन पोएट्रिक प्लेज. टीएस एलियट के प्लेज में मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न नॉवलिस्ट. मॉडर्न नॉवलिस्ट की अगर हम बात करें तो उनमें है वेल्स, बेनेट, कॉनरेड, किपलिंग एंड फॉरेस्टर. एच जी वेल्स. एच जी वेल्स का फुल नेम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. ग्रेट रेवोल्यूशनरी था. उसके बाद इसके जो नॉवल्स हैं उनको थ्री डिवीजन्स में कैटेगराइज किया गया है: साइंटिफिक रोमांसेस, डोमेस्टिक नॉवल और सोशियोलॉजिकल नॉवल.
और इसके साइंटिफिक रोमांसेस में हैं द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द फर्स्ट मैन इन द मून, और डोमेस्टिक नॉवेल्स में किप्स, द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, और सोशल नॉवेल्स में द न्यू मैकैवली, द अनडाइंग फायर, द ऑटोक्रेसी ऑफ मिस्टर परहम। नेक्स्ट हमारे पास है आर्नल्ड बेनेट। आर्नल्ड बेनेट के जो तीन पॉपुलर प्ले हैं उनमें है द तीन पॉपुलर नॉवेल्स हैं उनमें है द ओल्ड वाइव्स टेल, क्लेहैंगर, राइसमैन स्टेप्स और जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड की अगर बात करें, बीइंग अ सेलर ही स्पेंट 20 इयर्स ऑफ लाइफ इन दिस शिप और द पोर्ट। कॉनरेड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी जेम्स। इसके पॉपुलर नॉवेल्स में द नाइजर ऑफ द नार्सिसस, लॉर्ड जिम, टाइफून, नास्टोमो। किपलिंग वॉज बॉर्न इन इंडिया। आफ्टर बीइंग एजुकेटेड इन इंग्लैंड ही रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 17 एंड बिकेम द एडिटर ऑफ एंग्लो इंडियन पेपर। और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें है द नौलखा, कैप्टन कर्जियस, किम। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन गॉल्सवर्थी एज अ नॉवलिस्ट। वो ड्रामाटिस्ट भी था और नॉवलिस्ट भी था। ये बेसिकली अपर फैमिली से, अपर क्लास से बिलोंग करता था। इसके जो नावल हैं, जो फिक्शन वर्क है उनमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द कंट्री हाउस टू लेट, द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, ई एम फास्टर को एज अ नॉवलिस्ट अगर हम देखें तो इसके जो वर्क हैं वेयर एंजल फेयर टू ट्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विद अ वाइन, हॉवर्ड एंड। और इसका जो लास्ट वर्क और वेरी पॉपुलर वर्क था वो है अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांजिशनलिस्ट जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो है वो उसकी टोटल एज अगर हम देखें तो वो 119 साल का है। डबलिन में पैदा हुआ, उसके बाद 1904 में उसने आयरलैंड को छोड़ दिया हमेशा के लिए। आर्टिस्ट था, सिंबलिस्ट था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पाइनियर समझा जाता है। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म है ये सबसे पहले जो स्टार्ट की थी, सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था वो था विलियम जेम्स, लेकिन इसको आगे ज्यादा यूज करने में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है। तो इसके जेम्स जॉयस के जो इम्पोर्टेंट नावल हैं उनमें है द डबलिनर, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एग्जाइल्स एंड यूलेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है वर्जीनिया वुल्फ। शी वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वीमेन राइटर्स, एक्साइटिंग यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। शी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई यूलेसिस। शी वॉज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉयस। हर नॉवल्स आर द वॉयज आउट मिसिज डेलोवे टू द लाइट हाउस ऑरलैंडो। नेक्स्ट अगर हमारे पास है एल्डस हक्सले, उसके नॉवल्स में क्रोम येलो, एंटिक है, दोज बैरन लीव्स, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एंड्स एंड मीन्स, और इसका लास्ट वर्क आफ्टर मैनी असमर। डी एच लॉरेंस को सेक्स नॉवलिस्ट कंसिडर किया जाता है। वो एक पैशनेट प्यूरिटन था। उसके जो पॉपुलर वर्क हैं उनमें द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, द लास्ट गर्ल, कैंगरू, लेडी चैटरलेस लवर्स। इसके जो मोस्टली वर्क थे उनको, जैसे ये लेडी चैटरलेस लवर थे, इनको बैन किया गया था। इनके बैन होने की वजह यही थी कि इनके अंदर ज्यादातर उसने लव को, फिजिकल लव को और सेक्स को प्रमोट किया था। इस वजह से इस नॉवल्स को उन्होंने बैन कर दिया था और काफी अच्छे था कि इसके वर्क्स जो थे वो बैन रहते। तो आज हमारे पास ये एज जो थी ये काफी लंबी थी, इसलिए हमने इसको ना जल्दी में किया ताकि पूरी एज जो है वो हमारे पास कम से कम टाइम में कवर हो सके। तो उम्मीद है काफी चीजें इसमें हमने कवर कर ली हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।